कोई भी लॉजी के लिए कानूनी तौर में हमको बता दे ये इलीगल है, गलत हो गया बोलने से, हम लोग तैयार है उसको हटाएंगे। लेकिन अपना जो भाषा है उसको तो कोई नहीं बोल रहा है अभी, अपना निशी का जो क्या चीज़ है, खान पान का खाना क्या है, जैसे कि अभी ये सब्जी क्या है, उसको अपना लैंग्वेज नहीं जानता है। तो अभी गालों में है आपका नुकटे वंगचू का है, मुम्पा का है, वो भाषा को तो कम से कम उसको भी तो प्रवर करना चाहिए। तो मैं तो ये म्यूनिसिपल वाला रही हूँ, जो लिखा है हिंदी इंग्लिश तो मालूम ही हो जाएगा, लेकिन उसको भी अपना भाषा को भी आप लोग उसको कोऑपरेट कीजिए, उसको भी समझाइए हमारा आने वाला। तो ये हिंदी वर्ड से सब सारा कल्याण हो रहा है, तो हिंदी वर्ड का ऊपर दुखी कौन है? आप प्रयोग करके इसको आप पूरा सुविधा ले रहा है, इसको नाम मत ले बोलता है, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लग रहा है हमको। सीधा सी बात है, भैया को अच्छी बोलना है, पिताजी को अबू बोलना है, वो सब तो हम जानता है, लेकिन मेरे बच्चा लोग उसको खत्म हो रहा है। मैक्सिमम तो जानता ही नहीं अभी हिंदी को, तो पूरा मालूम हमारा ये जो हिंदी लिखने का मीनिंग है हम अभी भी बोलता है, आप लोग का सवाल को भी वेलकम करता है। कोई भी लॉजिक के लिए कानूनी तौर में हमको बता दे ये इलीगल है, गलत हो गया बोलने से, हम लोग तैयार है उसको हटाएंगे। वर्ल्ड में जापान में पहले सनराइज होता है, लेकिन वो जापान हम नहीं लिख सकता है ना, हमने बोला है सच्चाई से मत भागो, शर्म मत करो। यहाँ कोई कोई ऐसे जाती है कि आप आदिवासी है बोलने से, यू आर ST, यू आर SC बोलने से नाराज होता है, तुम क्यों हमको जो आदिवासी बोला है, उसी बात को फिर तेरा ST को हटा देगा बोलने से, अल्लाह तू हमको हटाएगा क्या, फिर वो मारने का दौड़ता है, ऐसा है हम लोग। तो चीज़ को थोड़ा समझना है मेरा बोलने मतलब। तो ये हिंदी वर्ड से सब सारा कल्याण हो रहा है, तो हिंदी वर्ड का ऊपर दुखी कौन है? आप प्रयोग करके इसको आप पूरा सुविधा ले रहा है, इसको नाम मत ले बोलता है, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लग रहा है हमको। सीधा सी बात है, वो मतलब मीडिया आज इनका दे मतलब भोजन हो रहा लोगों पौधना हम बिंगे लोगों से ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नंबर आसी लाऊंगा से हिंदी कैपिटल बिंग तो बारक ने गोफिक पापा बिंगना है उंगलू चिंग मो आम हगो आरिंग बो माने न्योदोम बिगे बो तपों वर्गो आई हो आसियम ते गे बो तालिक सोंगो सम बनो मलंग गलो आतो आबो गलो ताउता हबो बिंगपा के बिंगपा हो आलोगा हिंदी कैपिटल नोट इस फिकना है हो मेचुंग गो फिकना है अरुणाचल प्रदेश का कैपिटलम ने आईने गो बीको बसो लंगने कदर पाना रंगो अजंग ने गरम को दोनी ने गरम को तो सो तम गो गंफा पान बिंगपना के बिंगना सम हो जुनो सासम गो ताला मो हो हगवारिंग हो जुनो सासम बिंगपना मा बिंगो पो बिंग तम जामोला नो बिंग दन नासा दो मो हो गाबो गुलु सुलो कादिंग मन मलंग गयो ना माने गो ओजंग ओरा लको द पा पो दना ओ गो पा यालिंग चो बिंग दना हो गा मनो क्वेश्चन बिंग सा दो बने मन ताउ तो सर मलेंगे अरुणाचल लो अलग अलग जाति वो अलग अलग कोई वो ने मलेंगे निशी आगम तलामा वो दोपा होगा वो हिंदी बिंग तो मैंने तो वैसे आप लोगों को बता दिया शायद अपना जो निशी रिप्रेजेंटेटिव आपका मीडिया में आया वो भी सही नहीं समझेगा होगा, लेकिन इसको आप रिकॉर्ड जब कर लिया हर किसी निशी को समझाइए हम पूरा बात को जवाब दिया। और ये जो वर्ड जो है कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या तकलीफ हो रहा है वो हम बोलने जा रहा था। सबसे पहले तो मैं दोबारा से आज का तारीख में शॉर्ट नोटिस में मीडिया बंधु को मैं तहे दिल से मैं सबको यहाँ स्वागत करता हूँ IMC ऑफिस में। यहाँ अंदर पास में हमने लिखा है ईटानगर हिंदी कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसी लाइन का ऊपर ये बहुत बड़ा चर्चित हो गया, ये अच्छी बात है, मैं इसको दिल से आपको वेलकम करता हूँ। देखिए ये दुनिया में हम सब मानव जाति जो है ये सारा दुनिया में बसा है, तो इस दुनिया में आप सबको मालूम है बहुत ऐसे आदमी है, बहुत ऐसे भाषा है अलग अलग धर्म का, लंबा चौड़ा नहीं बोल के हम लोग अपना हिंदी में आता है। सबसे बड़ा ज़्यादा भाषा बोलने वाला 135 करोड़ से ऊपर भाषा बोलता है अंग्रेजी इस पृथ्वी में, जस्ट चू रहा हूँ। दूसरा जो है अपना चाइना का भाषा है, वो जो चाइनीज भाषा जो मैंडेरियन जो बोलता है वो 116 मिलियन माने करोड़ आदमी बोलता है। चलो हम जल्दी हम हिंदी में लाते हैं। 1949 सितंबर को जैसे हम इंडिया में रहता है, हम लोग भी अरुणाचली है, हमारा भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भी असेंबली है, हमारा भी पंचायत बॉडी है। तो ऐसा करके सारा देश का जो हमारा संसद है
सारा इंडिया का 135 करोड़ आदमी को क्या डेवलपमेंट चाहिए, क्या दुख तकलीफ है, कहाँ रास्ता चाहिए, कहाँ होल बनाना है, कहाँ फुटबॉल ग्राउंड बनाना है, कहाँ वो जो अलग अलग किस्म का जो प्रगति चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए ना, उसके लिए कहाँ चर्चा होगा? संसद में चर्चा होगा सबसे पहले ऊपरी स्तर में, उसमें चर्चा होना चाहिए बोल के वहाँ में भी एक भाषा बना के रखा है। इसको कोई छोटा मोटा जाति या कोई ईगो जो है इसका आदेश नहीं दे सकता है, आई मीन डिक्टेट नहीं कर सकता, सॉरी मेरा ये मानना है। तो 14 सितंबर 1949 को आई मे बी मिस्टेकन, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे बाकी भाषा को वहाँ में जो चर्चा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे बंगाली हो गया, जैसे गुजराती हो गया, जैसे कन्नाडी हो गया, अलग अलग जो स्टेट का जो भाषा को वहाँ जब संसद में पार्लियामेंट में चर्चा होता है, ऐसे करके ये देवनगरी भाषा बोल के हिंदी भी एक टू जुड़ा हुआ है, जिसको हमारा बहुत स्टेट जो है 22 स्टेट चलाता है। हम संसद में ये पैदा करता है कि हमारा वहाँ सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है बोल के, तब जाके डेवलप होता है। जहाँ में ओनली एंड ओनली हिंदी लैंग्वेज चलता है, जिसको अपना बीच में समझता है, अपना बीच में इंटरेक्ट करता है, प्यार बढ़ता है, दोस्ती बढ़ता है, ऐसे करके समझ के काम आगे बढ़ाता है, वो है हिंदी भाषा। 1949 14 सितंबर को जन्म लिया। चलिए ठीक है, हम इंडियन है, लेकिन कभी कभार कोई दोस्त लोग इंडिया से लेना देना है नहीं बोलता है, तो अरुणाचल में आ जाइए, मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट में ले जाना चाहता हूँ आप लोगों को। अपना ईटानगर को ये सब का बना रखना है, ये किसी एक जाति का, किसी कम्युनिटी का नहीं है, ये स्टेट का एक बहुत ही बायोडाइवर्सिटी, एक अलग तलग किस्म स्टेट का, जहाँ में 26 बड़ा जनजाति रहता है, मेजर ट्राइब। 1950 को 65 तक असामीस चला, तो असामीस चल गया, वो मेरा पिताजी लोग पढ़ा। हम 68 को जन्म हुआ, हम लोग जन्म होने का बाद हम लोग को गो गो हिंदी से शुरू किया, हम क्या करूं, सारा अरुणाचल बातचीत करता है तो हिंदी से करता है। अभी आप किसी को इम्पोज कर रहा है, सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहा है जबरदस्ती, हम ये नहीं चाहते कि किसी को जबरदस्ती इम्पोज करें, अब ये भाषा बोलो, ये खाओ, ये पियो, नहीं बोलने से अच्छा है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अपीस करने, खुश करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, हम ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में, आई एम ए नेशनल काउंसिल मेंबर, हम इंडियन है, हम एक दूसरों को क्यों खुश करेगा। हमारा चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में अभी भी सबसे 3 बार जो है इंसेंटिव अरुणाचल को मिला है सारा इंडिया का अंदर में। कल का न्यूज़ आप लोग देख लीजिए, ट्विटर में आ गया होगा, सिंह साहब ने देखा होगा, और हमारा पेमा खांडू जी का नेतृत्व में जब वो सही काम देश के लिए, अपना प्रदेश के लिए काम कर रहा है, तो हम मोदी जी को, अमित शाह जी को खुश करने का क्या ज़रूरी है। हमने बार बार बताया, मेरा सांसद दिल्ली में जाके हिंदी से बात करना पड़ेगा, वो अभी कोई ममपा से मिजी से बोलने से होगा नहीं है, हिंदी वोट को यहाँ सिर्फ नहीं है, हम वहाँ भी डाल रहे हैं, हर जगह में डाल रहे हैं। अब यूपी बिहार में आप अपना भाषा में, माने गालों भाषा में खाना मांगेगा नहीं देगा, आप लड़ तो नहीं सकता ना, हिंदी से बोलना है। इसलिए हम बोल रहे हैं, हम सेंटीमेंट देना नहीं चाह रहे, जाके हम जागृति कर, नहीं तो कितना अवेयरनेस करता है, अपना भाषा बोलने दो बोल के सीएम थक गया, डीसीएम थक गया, रिजिजू साहब थक गया। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं हम ये भी चाहता है कि इसका तो जब स्ट्राइक करेगा माइंड में, हमको क्या हो रहा है स्ट्राइक करने से, आप अपना भाषा को शुरू करो, हम वह खुशी करना नहीं चाहता है, हम जो जागृति करना चाहता है कि हम जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में ये डालना है, हम लिखना है, वो इम्पोज नहीं करना है, हम सिर्फ बारी बारी ये बता रहे हैं कि हम लोग इंडियन है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाला स्टेट कैपिटल है, बोला हिंदी कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोला है बार बार, हम इंडिया का भी नहीं बोला है, क्यों बोलेगा, तो यूपी बिहार हमको कंपटीशन करेगा। हम नॉर्थ ईस्ट इसलिए बोला है कि नॉर्थ ईस्ट एक अलग दर्जा लेता है, आजकल एक पॉलिसी इस पॉलिसी को लेके अलग अलग विषय है कि हम बार बार बोल रहे हैं अरुणाचल एक अजीब स्टेट है, एक विचित्र माने इतना सुंदर स्टेट है, हमने बार बार बोला है इसमें क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सोच के करना है, ये मिला जुला सब मिल के देश को, प्रदेश को आगे बनाना है, प्यार होना है, ऐसा एक तो भाषा होना है जिसको सब समझेगा। हमको हिंदी लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा है, हमने वो बोल दिया कैपिटल नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल बोल के, बाकी आप लोग समझ लीजिए। अपना जो अपना कल्चर, जो अपना लैंग्वेज, उसको बहुत इम्पोर्टेंट है,
वो हिंदी तो इंग्लिश तो वो तो मालूम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश में अपना कल्चर को, जो अपना जो भाषा है उसको तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके देख के हम लोग, हमारा बच्चा लोग को अभी आगे बढ़ाना चाहिए और हमारा जनता लोग को, स्टूडेंट लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले सीखने से हमारा यहाँ का भाषा को अनेक हम लोग अरुणाचल 26 ट्राइब्स डिस्ट्रिक्ट का जो जितने लोग हैं उसको ट्राइब को जाने, उसको लिख के उसको भी अवेयरनेस दीजिएगा। हिंदी इंग्लिश तो देखिए वो तो ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा, वो तो कोई ये नहीं है, ये तो और जल्दी सीखने वाला भी है, लेकिन अपना जो भाषा है उसको तो कोई नहीं भूल रहा है। अभी अपना निशी का जो क्या चीज़ है, खान पान का खाना क्या है, जैसे कि अभी ये सब्जी क्या है, उसको अपना लैंग्वेज नहीं जानता है। तो अभी गालों में है आपका नुकटे वंगचू का है, मुम्पा का है, वो भाषा को तो कम से कम उसको भी तो प्रवर करना चाहिए। तो मैं तो ये म्यूनिसिपल वाला रही जो लिखा है, हिंदी इंग्लिश तो मालूम हो जाएगा, लेकिन उसको भी अपना भाषा को भी आप लोग उसको कोऑपरेट कीजिए, उसको भी समझाइए हमारा आने वाला के लिए। लेकिन हम लोग तो पूरा मालूम है अपने निशी में क्या है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, भैया को अच्छी बोलना है, पिताजी को आबू बोलना है, वो सब तो हम जानता है, लेकिन मेरा बच्चा लोग उसको खत्म हो रहा है। मैक्सिमम तो जानता ही नहीं है, अभी हिंदी को तो पूरा मालूम है। तो अभी इसके लिए उसको ले, अभी हमारा यहाँ का अरुणाचल का लोग पीपल लोग उसको जल्दी से जल्दी अपना कल्चर, अपना ये को, अपना भाषा को लिंग्वेज करना है। जैसे कि हमारा मेरा बच्चा को दिल्ली बम्बे में मैं जाता हूँ, फ्लाइट में जाता हूँ, कई मार्केट में जाता हूँ, वहाँ में हम किसे हिंदी बोलते रहेगा, गंदा चीज़ है। जैसे कि एक चीज़ है, एक ये जैसे कि आप कपड़ा गंदा पहना है, हिंदी में क्यों बोलेगा, सब लोग सुनेगा, अपना निजी भाषा में बोलेगा, ये कलर को पापा कलर मीटिंग तो वो कितना अच्छा बात है, तो हम आराम से कर लेगा।